हेलो गाइस आज हम लोग मैरी गोल्ड यानी गेंदे के पौधे के बारे में बात करेंगे कि इसे जब भी नर्सरी से लाएं तो कैसे रिपोर्ट करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लावरिंग दे फ्रेंड्स इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है गमले का साइज इसकी जड़ें बहुत जल्दी फैलती हैं तो इसके लिए मिनिमम आपको दस इंच का गमला ज़रूर लेना है और नेक्स्ट आपको इसकी सॉइल मिक्सचर पर ध्यान देना है कि इसकी सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करनी चाहिए तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसके लिए आपको क्या क्या लेना है इसके लिए मैंने यहाँ कोकोपीट तो ली हुई है जैसा कि मैंने बताया कि गेंदे की जड़ें बहुत जल्दी फैलती हैं तो कोकोपीट उसके लिए, mm -hmm. तो लिए बेस्ट होती है आपको सॉइल मिक्सचर में कोकोपीट की मात्रा ट्वेंटी परसेंट लेनी है और मैंने यहाँ गार्डेंसल ली है गार्डन आइयल को तो आप धूप में सुखाकर उसमें कोई भी फंजी मिला लें गार्डन सॉइल की मात्रा आपको फ्रेंड्स फोर्टी परसेंट रखनी है और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ट्वेंटी परसेंट सैंड लेनी है इसके अलावा ट्वेंटी परसेंट ही आपको खाद लेनी है खाद आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो मैं यहाँ वर्मी कम्पोस्ट का यूज़ कर रही हूँ इन सभी को मिक्स करके आप अपने गमले में भर सकते हैं बट इसके लिए आप अपने गमले का ड्रेनेज होल चेक कर लीजिएगा उसके बाद ही आप एक लेयर पूरी मिट्टी की जो आपने बनाई है उसको डाल दें उसके बाद आप आपके पास जो भी खाद हो उससे एक लेयर और तैयार करें ध्यान रखिएगा एक लेयर मिट्टी की होनी चाहिए एक लेयर खाद की होनी चाहिए इससे पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है इसे आप ट्राई जरूर करिएगा इसके बाद आप पौधे को बैग से नीचे से पुश करते हुए धीरे से निकालें ताकि उसकी जड़ें टूटे ना रूट्स अगर डैमेज हो जाती हैं तो पौधा सॉक में चला जाता है सो so, आप बहुत हल्के हाथ से इसको निकालिएगा और अपने गमले के बीचों बीच बिल्कुल इसको सेट कर दीजिए और जो मिट्टी तैयार की है उसी से पूरा आप अपना गमला दबा दबा के भर दीजिए इस तरह से अगर आप अपने गमले की मिट्टी तैयार करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी बस फ्रेंड्स ये तैयार है गमला इसमें सिर्फ अब वाटरिंग करनी है इसके अलावा इसको आप अब एक दो दिन इसको छाँव में ही रखिएगा डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा उसके बाद आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं इसी तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की मिट्टी तैयार कर सकते हैं इससे ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलती है सो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू